इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। अभी हाल ही में हमने शहर में ये देखा था कि जो दरगाह का जो दिल्ली गेट का जो इलाका है, यहाँ पर एक जगह पर पार्किंग के विवाद को लेकर बीजेपी नेता का नाम सामने आया था और उसके बाद वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे। और उसके बाद अजमेर नगर निगम ने 10 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां पर आवासीय भूमि थी लेकिन वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थी और इसको पार्किंग के तौर पर उपयोग में लिया जा रहा था। दरगाह और दिल्ली गेट के इलाके में ये अधिकतर देखा गया है कि यहां पर अवैध तरीके से कई पार्किंग्स हैं जो यहां पर चल रही हैं। अवैध तरीके से पार्किंग की मनमर्जी की यहां पर वसूली की जाती है। जो जायरीन जियारत के लिए आते हैं उनसे मोटी राशि एक एक दो दो घंटे के हिसाब से पार्किंग की जो जगह होती है, जो आवासीय भूमि है, वहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग स्थल बने हुए हैं जहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो रही है। और निगम ने ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जिसमें 10 स्थल हैं उनको चिन्हित किया है और अब इनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई अजमेर नगर निगम ने शुरू कर दी है। बुधवार को दिल्ली गेट स्थित जो मीरादाता और खत्री पार्किंग जो जगह थी जो आवासीय भूमि के ऊपर चल रही थी उसको नगर निगम ने सीज कर दिया है और सख्त से सख्त चेतावनी भी अजमेर नगर निगम ने दी है कि ऐसे अवैध तरीके से जो पार्किंग स्थल होंगे उन्हें तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी कर सीजिंग की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली गेट पे जो आवासीय में व्यवसायिक कार्य हो रहा है इनके द्वारा पार्किंग की जा रही है। हमने लगभग 10 चिन्हित की थी, उनमें से 2 को आज सीज कर दिया गया है। एक है मीरादाता, दूसरा है खत्री, दोनों दिल्ली गेट पे सिचुएटेड है और इन्होंने अपने आवासीय में व्यवसायिक कार्य कर रहे थे। इन्हें गाड़ियाँ खड़ी करके पार्किंग करवा देते थे, इनको सीज कर दिया गया है। लगभग 10 पार्किंगों को हमने नोटिस जारी किए हैं जिनमें से आज इन 2 को हमने सीज किया है। आगे भी ये कार्य निरंतर रहेगी।